हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को, आप और आपके परिवार वालों को हैप्पी होली। तो अभी मैं घर पर बैठा हुआ हूँ और अब देख सकते हैं खेत पर हार्वेस्टर चल रहा है, तो मुझे पाल लेके बुलाए हैं क्योंकि पाल में दाना खुराना पड़ेगा, इसलिए पाल लेके जाना पड़ेगा मुझे। तो मैं जा रहा हूँ, तो पाल में अभी बटरा सूख रहे हैं तो उसको मैं रेताना पड़ेगा, पाल को खाली करना पड़ेगा। दोस्तों, ये रही पाल, अब मैं इसको रेता लेता हूँ फिर ले जाऊँगा। बटाना सूख रहे हैं, एक पाल और रखी है वहाँ पर, इतने में हो जाएगा। दोस्तों, मैंने पाल को रेता लिया हूँ, अब जा रहा हूँ मैं खेत। हार्वेस्टर से दाना गिरेगा तो नीचे पाल बिछाना पड़ेगा, तब दाना कुराएंगे। तो अभी जा रहा हूँ मैं, कुछ गेहूँ आ चुकी है, कुछ नहीं आई है। तो आई आई गेहूँ, जितनी गेहूँ आ चुकी है उतनी में हार्वेस्टर चलवा रहे हैं, बाकी की अभी हरीली गेहूँ है। हार्वेस्टर वाले 1200 रुपये एकड़ ले रहे हैं, तो पैसा तो लगता ही, इसलिए हमने हार्वेस्टर चलवा दिए। दाना थोड़ा बहुत बगड़ता है, ज़्यादा नहीं बगड़ता है। जितनी गेहूँ खड़ी रहती है वो सारी कट जाती है, लेकिन जो नीचे गिरी रहती गेहूँ तो वो नहीं कट पाती है। दोस्तों, मैं आ गया हूँ हार्वेस्टर तरफ, देख सकते हैं आप। दोस्तों, हार्वेस्टर से गेहूं कटाई हो चुकी है, तो हार्वेस्टर अब चला गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।